पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को ज़बरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं, जिसका आरोप भी आपने लगाया और जो सामने भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव क्या होने चाहिए, वो बदलाव जो इससे परीक्षा लीक रुके, वो क्या आपके पास फार्मूला है? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं, वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए पता लग जाएगा, तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हमने ये भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा।